या सृष्टि सृष्टु श्राद्या वहति विधि हुतं या हविर्याच होत्री ये द्वे कालंग विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृति रीति अया प्राणिनः प्राणवंतः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस तनुभिरवतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। आज देव प्रबोधनी एकादशी है, शाप के यक्ष की निवृत्ति होने वाली है और महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत में इसी तिथि का उल्लेख किया है और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा सन 1958 से अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन में किया जाता रहा है। लगभग 64 वर्ष व्यतीत हुए हैं और प्रथम समारोह के साथ से ही राष्ट्रीय कालिदास चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा किया जाता रहा है। इसमें महाकवि कालिदास की रचनाओं पर केंद्रित चित्रांकन और मूर्ति शिल्पों का निर्माण कलाकारों द्वारा किया जाता रहा है। देश के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार इसमें अपनी प्रतिभागिता करते हैं और अपने शिल्पों को इस प्रदर्शनी के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए हमारे बीच प्रेषित करते हैं। इस प्रतियोगिता में हम प्रतिवर्ष 5 कलाकारों को पुरस्कृत करते हैं, जिसमें 4 चित्र होते हैं और 1 मूर्ति शिल्प होता है। उन्हें 1,00,000 रुपया सम्मान राशि से सम्मानित किया जाता रहा है। आज इस वर्ष विक्रमोर्वशीय पर केंद्रित चित्र एवं मूर्ति शिल्पों का कलाकारों ने सृजन किया है और वे शिल्प हमें भेजे हैं। निर्णायक मंडल ने क्षीर विवेक से उसका निर्णय किया है और जो श्रेष्ठ कलाकृतियां हैं उनको पुरस्कार के योग्य चुना है। उन सभी कलाकारों को हम कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से बधाई देते हैं। निश्चित रूप से नयनाभिराम यह अभिराम प्रदर्शनी कला रसिकों के लिए एक सुखकर अभिनव आसाध्य प्रदान करेगी। नमस्कार, 65वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन राष्ट्रीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया जाता है। सर्वप्रथम देव प्रबोधिनी एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। इस वर्ष राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का विषय महाकवि विरचित विक्रमोर्वशीयम रखा गया है, जिस पर हमें देश के 14 राज्यों से 205 चित्राकृतियां एवं 22 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें लेकर ऑनलाइन माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। निर्णायक मंडल में निर्णायकों द्वारा बड़े ही निष्पक्ष रूप से निर्णय किया गया है। इस वर्ष के निर्णायक मंडल में श्री केदार नारायण जी जोशी उज्जैन, श्री छोटूलाल जी उदयपुर, श्री अद्वैत गणनायक दिल्ली, श्री प्रतिमा वाघ मुंबई, श्री रजनीश गौतम मुजफ्फरनगर द्वारा इन चित्रों का चयन एवं इन्हें पुरस्कृत किया गया है। आइए हम पुरस्कृत एवं चयनित चित्रों का अवलोकन करते हैं। Thank you.
कालिदास संस्कृत अकादमी के इस वार्षिक निर्णायक मंडल में जिसका विषय विक्रमोवर्षी रखा गया है, उसमें मुझे निर्णायक के तौर पर आमंत्रित किया गया है। उसके लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारे सामने जितनी भी प्रविष्टियाँ आई है उन सभी को हमारे सन्मुख रखा गया है और हमारा ये प्रयास रहा है कि सभी प्रविष्टियों को देखते हुए किसे प्रदर्शनी हेतु चयनित करना है और किसे अवार्ड के लिए अनुमोदित करना है। उसके लिए हमने सामूहिक प्रयास से अपने ज्ञान के आधार पर जो निर्णय लिया है उसके लिए यहाँ के स्टाफ और सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ कि सभी के सहयोग से ये कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ है और हमारा प्रयास यही रहा है कि सभी को जो प्रतियोगी रहे हैं उनकी कृतियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो और एक कह सकते हैं कि एक सम्मानजनक जो निर्णय होना चाहिए वो सामूहिक प्रयास से हमने लिया है और जिनको अवार्ड के लिए चुना गया है मैं उनको अपनी तरफ से और सभी निर्णायक मंडल की तरफ से मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और जो किसी कारणवश जिनकी कृतियों को ये नहीं मिला है उन्हें निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है और उन्हें आगे और अच्छे प्रयास करने होंगे और अपने अच्छा एफर्ट लगा के अपनी कृतियों में वो चेंजेज लाने होंगे ताकि उनकी प्रतिभा और निखर सके। और जो ये कालिदास समारोह में अलग अलग ग्रंथों पे जो हर साल ये उनके ग्रंथ पे विभिन्न ग्रंथों को लेके जो ये विषय चयनित करते हैं जिससे कि एक सभी कला के जो साधक हैं उनको एक अपने चित्रण प्रयास में जो उन्नति लानी है वो लाएं और अपनी कला को और उन्नत करें। मैं एक बार पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि कालिदास संस्कृत अकादमी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जिससे कि क्या कालिदास का विश्व स्तर पर स्थान मिले और उसकी प्रसिद्धि बढ़े।
नमस्कार, मेरा नाम है प्रतिभा वाघ, मैं बम्बई से हूँ। मैं सबसे पहले कालिदास संस्कृत अकादमी का थैंक यू कहना चाहती हूँ। 14 अलग स्टेट के चित्रों का आनंद लेने का मौका प्राप्त हुआ। इसमें जनजाति का चित्र है, बाद में मिनिएचर पेंटिंग्स है, पारंपरिक चित्रकला है और कुछ स्कल्पचर्स भी थे। अभी इसमें देखते समय एक बात मेरे ध्यान में ऐसे आई कि कलाकारों ने जो भी कलाकृतियाँ प्रदर्शित हुई है यहाँ, इसके लिए बहुत ही मेहनत ली है और ये करते समय हर एक कला शैली की जो विशेषता है, वो विशेषता हर एक कला शैली की, कलर स्कीम की या रंग संगति की विशेषता है, वो विशेषता ये सारा संभाल के विक्रम उर्वशीय में जो भी कुछ वर्णन आया है उसको बहुत सुंदर तरह से प्रदर्शित या प्रतीत किया है। ये तो बहुत कठिन बात है कि कालिदास जैसे महाकवि की रचना पढ़ के उसके श्लोक पर आधारित कलाकृति बनाना, ये बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है। लेकिन ये जो सारे कलाकार हैं उन्होंने इसको इतने अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है कि वो देख के जब हम लोग जजिंग कर रहे थे तो बहुत मुश्किल हो रहा था कि किसको चुनना है। इतनी वैरायटी थी, इतना अच्छा काम था और ये सारा देख के जब ये प्रदर्शनी लगेगी तो एक बात तो ज़रूर हो जाएगी कि जो यंगस्टर्स है या जो कोई नई पीढ़ी के कलावंत है या नई पीढ़ी के जो रसिक लोग हैं, उनको ये प्रदर्शनी देख के हमारी जो पुरातन परंपरा है चित्र शैली में, जो अलग अलग शैलियाँ है, वो सारा जो इसके जो विविधता है उसका आनंद एक ही जगह पर उनको मिलेगा। और मेरी तरफ से जिन लोगों को ये प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के बाद अवार्ड मिले हैं उनको तो मैं बधाई देती हूँ, लेकिन जिन्होंने इसमें अपना चित्र प्रदर्शित किया है उनको भी मैं बधाई देती हूँ। क्योंकि कौन से भी प्रदर्शन का यश जो होता है वो बहुत सारे कलाकारों के पार्टिसिपेशन से ही होता है। तो अगली बार ज़रूर मैं ऐसी आशा करती हूँ कि इससे भी और सारे कलाकार ये प्रदर्शनी में सम्मिलित हो जाएंगे। धन्यवाद। Thank you.
आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस आयोजन का एक हिस्सा बन पाया हूँ। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा विक्रमोर्षियम विषय के अंतर्गत जो कलाकृतियों का एक जिसे हम कहेंगे एक प्रतियोगिता या समन्वय भी हम कह सकते हैं, प्रतियोगिता इस दृष्टि से कि वहाँ पर हम चित्रकारों के उन्नयन हेतु पुरस्कार स्वरूप कुछ आर्थिक उनको योजना के हिसाब से कुछ पारितोषिक दिया जाता है। लेकिन इसमें मुख्य बात ये है, जहाँ तक मेरा विचार है, कालिदास की पुण्य धरती और केंद्र बिंदु हमारी धर्म संस्कृति का उज्जैन एक अद्भुत समन्वय यहाँ है, और इस समन्वय के तत्वाधान में ये जो भारतीय सनातन परंपरा, कला, संस्कृति, धर्म, इन सब विषयों पर आधारित जो चित्रों का, कला का यहाँ एक कुंभ, मैं कहूँगा कुंभ की धरती है, तो इस कुंभ में देश भर से कलाकारों ने, चित्रकारों ने, मूर्तिकारों ने प्रतिभाग किया, और अवलोकन करने के उपरांत निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कलाकृतियों की जो श्रेष्ठता है, उत्तम है। बहुत से चित्र जिन्हें हम कहेंगे कि चित्रकार या कलाकार द्वारा अपने पूरे मनोभावों को, अपनी पूरी दीक्षा को चित्र में उडेल दिया उन्होंने, पूरा एक महाकवि कालिदास के काव्य को चित्रित करने का जो यहाँ पर चित्रकारों के द्वारा प्रयास हुआ, निश्चित रूप से बहुत इस कला के क्षेत्र में एक बृहद उत्सव है, और इस उत्सव के माध्यम से चित्रकारों का उन्नयन भी हो रहा है, उनको प्रोत्साहन भी किया जा रहा है, और मुख्य विषय जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारतीय पारंपरिक कला है, जिनमें लोक कलाएं और जनजातीय कलाएं भी समाहित हैं, उन सब कलाओं का यहाँ पर कालिदास संस्कृत अकादमी के माध्यम से एक समन्वय किया गया है, ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कदम है, और मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया संस्कृत अकादमी की ओर से। मैं समस्त आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ, और अकादमी के उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।
सबको प्रणाम। बाबा का नगरी उज्जैन में हम जो एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, कालिदास एकेडमी इतना सुंदर है, वो एटमॉस्फेयर ही बहुत चीज बताता है। अभी हम जो आर्ट वर्क देख रहे थे और इसका जो भाग्यश्री कालिदास एकेडमी को जाता है, उनका ट्रस्टी को जाता है, वो लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं, जो हमारा धरोहर हजारों साल से जिसका ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और उनका जब अस्तित्व मिटने का चरम सीमा में आ जाता है, उस टाइम में इस तरह का काम करना कि हमारी जो धरोहर, हमारी जो ट्रेडिशन, हमारी जो फॉर्म है, जो नेचुरल फॉर्म है, जो फोक हो कि ट्रेडिशनल हो, जो भी चीज़ को हम किस तरह का प्रोत्साहन करते हैं और एक स्थिति में उसको किसी एंगल में देखते हैं। अभी 21st century में हम बात कर रहे हैं और उस टाइम आप सरप्राइज होंगे, गुरुजी शांति निकेतन में शुरू किए थे कि हमारी धरोहरों को लेके कैसे आगे जाएंगे। अब देखिए उस टाइम हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, अब उस टाइम बंकिम चटर्जी वंदे मातरम लिख रहे हैं और भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ ठाकुर बना रहे हैं, नंदलाल बोस अजंता एलोरा को जाके स्टडी करके हमारी चीज़ को रिवाइव कर रहे कि किस तरीके हमारी चीज़ को लेके हम आगे जाएंगे। और एक धरोहर को जीवित रखना और देश को आगे लेना, एक जो स्वाभिमान है आर्टिस्ट का कि मेरे को विदेशी कलर यूज नहीं करना है, विदेशी फॉर्म नहीं लेना है, हमारी चीज़ को हम काम करेंगे, जो स्वाभिमान है, जो गर्व है, इस तरह का काम ही मिलता है। जो कालिदास एकेडमी कर रहे हैं, अभी मेरे को पता है कि हमारा गांव में जब शादी होता है, लड़की का भी शादी होता है ना, वो गांव का शादी जैसा लगता है, उसमें सारी कला समेट जाता है, कोई पत्थर में, कोई लकड़ी में, कोई पेंटिंग, कोई कपड़ा में, सारी बना के लाते हैं और लड़की वाले उनके लिए राइस, एक सिस्टम जो संस्कार है ना, जो कल्चर का साथ मिलना, और जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं देश में, अभी जो कंटेम्प्रेरी आर्ट बहुत हेवी है, और उसी में जो चीज़ अभी मेरे को लगता है कि दोनों को आसपास लाना चाहिए, दोनों को प्यार कराना चाहिए, मेरा इच्छा है दोनों को शादी कराना चाहिए, तब हमारी देश, हमारी धरोहर, अभी हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं, इसमें जो हमारी जो भागीदार रहेगा, ये देश के लिए, हमारे जो यंग जनरेशन उनके लिए बहुत बड़ा काम होगा। ये जो कालिदास एकेडमी कर रहे हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूँ उनको, और उसको थोड़ा अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि कैसे हम उसको पब्लिसिटी करें, किस तरीका उसका फॉर्म को आगे लें, कैसे देश विदेश में काम करें और देश को पूरा प्रॉपर जुड़ने के लिए हर फॉर्म में हम आसपास आए, तो उसके लिए हम प्रयास करना चाहिए, और उसका जो श्रेय कालिदास एकेडमी को जाता है, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता, धन्यवाद।
मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, कालिदास संस्कृत अकादमी और विक्रम विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में उज्जैनी में प्रतिवर्ष देव प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होने वाले सप्त दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अंतर्गत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर चित्र एवं मूर्तिकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। देश के कोने कोने से देश के अनेक प्रतिष्ठित कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार किसी एक विषय पर आधारित चित्र और मूर्तियां कालिदास अकादमी में प्रस्तुत करते हैं। इस वर्ष चित्र एवं मूर्ति कला प्रतियोगिता के लिए कालिदास का एक त्रोटक है जिसका नाम है विक्रम और वशियम। ये दृश्य काव्य है, रूपक है। तो इस विक्रम और वशियम नामक त्रोटक के आधार पर देश भर के कलाकारों से चित्र और मूर्तियां आमंत्रित की गई थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष बड़े उत्साह के साथ कलाकारों ने, मूर्तिकारों ने और चित्रकारों ने अपनी रुचि प्रदर्शित की। संस्कृत विषय के विशेषज्ञ के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैंने अनुभव किया कि ये जो 205 चित्र प्रतियोगिता के लिए प्रस्तुत किए गए और जो 22 करीब मूर्तियाँ यहाँ प्रस्तुत की गईं वो सभी स्तरीय हैं और उनमें से हमको एक मूर्ति का चयन करना था और 4 चित्रों का चयन करना था। निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से अपने इस कार्य को संपादित किया है। कालिदास अकादमी ने हमको इस योग्य समझा। हम कालिदास संस्कृत अकादमी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, मध्य प्रदेश शासन के को धन्यवाद देते हैं और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग जो प्रतिवर्ष बड़े उत्साह के साथ अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन करता है, संस्कृत मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग को साधुवाद देते हैं और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की भी इसमें सहभागिता होती है। सबके संयुक्त तत्वावधान में, सबके संयुक्त प्रयास से यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारी भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समारोह बने और उत्तरोत्तर इसका उत्कर्ष होता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं कालिदास संस्कृत अकादमी के उत्तरोत्तर उत्कर्ष की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।